क्वेश्चन 16 एक असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है, तो पहले असर्शन को देखते हैं। फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन जनरेट डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ एटीपी। तो जो फर्मेंटेशन है वो बिल्कुल सही बात है, एरोबिक के रेस्पिरेशन में अलग एटीपी जनरेट कर रहा है। फर्मेंटेशन में क्योंकि ग्लूकोज पूरा नहीं टूट रहा है तो हमें मालूम है सिर्फ दो एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का, जिससे CO2 और वाटर मिल रहा है, तो उस वजह से कंप्लीट ब्रेकडाउन से हाई अमाउंट ऑफ एटीपी यानी 36 या 38 एटीपी मिल जाता है। तो रीजन को देखें, फर्मेंटेशन लीड्स टू पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, बिल्कुल ठीक है, तभी वहां पर डिफरेंट एनर्जी बन रही है, दो एटीपी, एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है, जिससे डेफिनेटली 36 से 38 एटीपी बन रही है। तो रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, और रीजन करेक्टली असर्शन को बता भी रहा है कि दोनों प्रोसेस में कम या ज्यादा एनर्जी या अलग एनर्जी क्यों है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन ए।